प्रदेश सरकार द्वारा 27 मई से 2 जून तक चलाए जा रहे पॉलीथिन उन्मूलन सप्ताह एवं पॉलीथिन हटाओ पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम के तहत आज खंड विकास कार्यालय तथा कर्मचारियों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय प्रांगण और आसपास के क्षेत्र में सफाई कर 56 किलो पॉलीथिन व प्लास्टिक एकत्रित कर लोक निर्माण विभाग नूरपुर के स्टोर में जमा करवाया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि नूरपुर शहर को पॉलीथिन मुक्त एवं स्वच्छ रखने के लिए सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस विकास खंड के तहत सभी पंचायतों में भी पॉलीथिन एवं कचरा एकत्रित करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नूरपुर को पॉलीथिन मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से सरकार के इस अभियान को आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भावना से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। अभियान जो है 27-5 से लेकर के 2-6 तक अभियान चलना है, तो इस जैसे कि सरकार के अधीश हुए थे, जिलाधीश महोदय ने भी बोला था कि इन डेटों में आप अपने पंचायतों में सारे कूड़ा करकट इकट्ठा करो, उसी तरह से आज हमने अपने विकास खंड में से भी थोड़ा साफ सफाई का काम किया है, जो कि आगे पीछे जो भी हमारे पॉलीथिन थे कुर्सियों के साथ थे या इधर उधर कोई पड़े हुए थे उनको आज हमने इकट्ठा किया है। ये जो आपने देखा है जी वही है सारा, तो लगभग 3-4 बैग इकट्ठे हो गए। कुछ फंक्शनों के थे तो उसमें भी ये पॉलीथिन का यूज हुआ था, तो इस हिसाब से सारे आज करके पीडब्ल्यूडी में हम जमा करवाएंगे।